जय हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन के ऊपर। काफ़ी लोगों का ये कमेंट्स था और काफ़ी लोगों ने मुझे ये बताया कि उनको मोबीक्विक एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट हो चुकी हैं। तो एक वीडियो डिटेल लेकर आने के लिए मोबीक्विक एप्लीकेशन से मोबीक्विक के एजेंट्स नोटिस और मोबीक्विक की EMI अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं किसी भी कारण से तो अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पहुँच चुके हैं लोन हेल्प इंडिया में जहाँ आपकी पूरी से पूरी हेल्प की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबीक्विक एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो ये RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने आधार और पैन वेरीफाई करके लोन लिया, आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। आप 1 लाख रुपए का मोबीक्विक एप्लीकेशन से लोन लेते हैं लेकिन वापस नहीं दे पाते, किसी कारणवश आप नहीं दे पाते, आपने 1 EMI या 2 EMI भरी, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 80,000 रुपये डिफॉल्ट है, अभी बकाया है। अब नेक्स्ट मंथ से आप EMI नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है कि 3 मंथ से आप EMI नहीं दे रहे, 3 महीने से आपकी EMI लगातार बाउंस कर रही है। ऐसे में मोबीक्विक आपके साथ क्या कर सकती है? सबसे पहले तो ये लोग आपको कॉल पे अप्रोच करेंगे, कॉल करके आपको कहेंगे कि देखिए आपका लोन जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, उसको जल्द से जल्द आप जमा कराएं। इसके बाद ये आपके जो कॉल रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको नंबर देंगे, जो आपके साथ बदतमीजी से बात करेंगे और फिर आपको कहेंगे लोन का पेमेंट करने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आपको अब क्या करना चाहिए? अगर आपका 80,000 रुपये लोन डिफॉल्ट हो रहा है, आपके पास कैसी सिचुएशन आ गई जिसमें आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कुछ अधिकार है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। यहाँ पे कंपनी से टाइम एक्सटेंशन करना है और टाइम एक्सटेंशन करने के लिए एक लेटर लिखना है, कंपनी को मेल करना है, ईमेल के जरिए एक लेटर लिखना है, क्योंकि ईमेल का आपके पास प्रूफ होता है। ईमेल जब भी आप किसी कंपनी को करेंगे तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने कंपनी को इस डेट में ईमेल किया हुआ है। तो आपको कंपनी को एक ईमेल करना होगा टाइम एक्सटेंशन के लिए। और ये ईमेल कैसे करते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऊपर एक दिया गया व्हाट्सअप नंबर है उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे ईमेल करने में, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है कि आपको टाइम एक्सटेंशन करना है, उसके लिए आप ईमेल कर देंगे, 6 मंथ्स का टाइम आप उसमें लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आपको टाइम देंगे? तो कंपनियां कुछ समय के लिए आपका लोन जो है वो एक्सटेंड करती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन 6 महीने साल भर के लिए करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा टफ बात है। तो ये लगातार आपको कॉल्स आपको आते रहेंगे और साथ साथ में अब आपको कुछ नोटिस भी दिया जाएगा। और ये नोटिस देख के काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो क्या नोटिस से आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर अब किसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने उनका लोन डिफॉल्ट किया है तो वो आपको बता रहे हैं कि जल्द से जल्द पैसा आप उनका भरें, और पैसा नहीं भरने पर वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके लिए निश्चित रहिए। अगर आपने लिया है यहाँ पे पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं भरना है। अगर आपके पास हो तो आप भर सकते हैं, और अगर किसी तरीके की सिचुएशन ख़राब है जिसमें आप अटक चुके हैं, फंस चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, नोटिस के बाद सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन जो आता है वो आता है रिकवरी एजेंट को लेकर, क्या रिकवरी एजेंट घर आते हैं कि नहीं आते हैं, इसको लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा और मुझसे पूछते हैं कि रिकवरी एजेंट क्या घर आएंगे कि घर नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो इनसे डील कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि रिकवरी एजेंट का ये जो मुद्दा है इस पर मेरे चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आप ये वीडियो पर आ चुके हैं तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि रिकवरी एजेंट
विलेज यानी गांव वगैरह में नहीं आते जल्दी, आते हैं तो सिटी में आते हैं, और कब तक आते हैं तो लगभग 2 से 3 महीना अगर आप पर डिफॉल्ट होता है उसके बाद ही कंपनी रिकवरी एजेंट को हायर करती है और आपके घर सेंड करती है, ठीक है। अब इसमें रिकवरी एजेंट से कैसे डील करनी है, रिकवरी एजेंट को आपको दिखाना है ये टाइम एक्सटेंशन मेल कि आपने कंपनी को 6 मंथ का मेल किया है, और इसके बाद आपके रिकवरी एजेंट की जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो रिकवरी एजेंट की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ये टाइम एक्सटेंशन ईमेल कर सकता है। अगर आप उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम थी, आपने कंपनी को पहले ही बता दिया है कि आपको 6 मंथ्स का टाइम चाहिए और इसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर ऐसे में कि किसी तरीके का ये आपको जवाब देते हैं तो क्या करना चाहिए, तो आप उनको बोल सकते हैं कि जाइए और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। डायरेक्टली आपको यही बोलना है कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। कोर्ट एज ए अथॉरिटी है जो ऑर्डर कर सकती है, तो आपको पे करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके से कोर्ट का ऑर्डर नहीं ला सकते क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर पहले से है कि अगर कोई व्यक्ति जो जेन्युइन है और आपसे टाइम मांगता है तो बैंक या NBFC को उनको टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं देती है, रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से भेज देती है, तो भी आपको डरना नहीं है। आप उनको डायरेक्टली बोलेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर अगर आपके पास है, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर आते हैं कि मुझे आज के डेट में पैसा भरना है तो मैं भरूंगा, और अगर नहीं ला सकते तो फिर जो कंपनी को एक्शन लेना है वो ले सकती है, 6 मंथ्स बाद ही हम पैसे को जमा करेंगे। अब ये 6 मंथ्स का आपने टाइम तो ले लिया, अब क्या 6 मंथ बाद आप पेमेंट कर पाएंगे कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है। तो इसके लिए आपको मुझसे अगर पर्सनल डिस्कशन करना है तो ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि लोन को पूरी तरीके से क्लोज कैसे किया जाए, ठीक है। अब यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी तो आप लोगों के मन में अब एक सवाल और होगा, क्या आपको फ्यूचर में कभी लोन मिल सकता है, इसका सिविल पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो सिविल दोस्तों इससे आपका लो होगा और फ्यूचर में लोन मिलने की संभावना कम से कम हो जाएगी या फिर नहीं मिलेगा। अगर बहुत ही लंबे समय तक डिफॉल्ट करते हैं तो नहीं ही मिलेगा। और एक और सवाल जो लोगों का हमेशा मन में रहता है, और वो सवाल ये है कि अगर हम जिंदगी भर के लिए लोन ना पेमेंट करें, यानी 1 रुपया जिंदगी भर के लिए ना दें, तो फिर क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आप जिंदगी भर के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं तो ये जो कंपनी है उनको लॉस होगा, और ये लॉस के चलते ये आपका लोन क्या कर देगी, राइट ऑफ कर देगी। अगर आप साल या 2 साल से ज़्यादा लोन को आप नहीं भरेंगे तो आपका लोन जो है वो ऑटोमेटिक राइट ऑफ हो जाएगा। तो राइट ऑफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं राइट ऑफ, और सामने में लिखिएगा लोन हेल्प इंडिया, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है कि आखिर कैसे MobiKwik के लोन डिफॉल्ट करने पे आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है और क्या एक्शन नहीं हो सकता, और आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से डील करना है। तो अगर इसी बात पे वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द।